दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। क्या सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी होंगे सरकारी? आखिर संविदा कर्मचारियों का क्या होगा? बीसी सखी, पंचायत सहायक, मनरेगा में ग्राम रोजगार सेवक, पशु सखी, कृषि सखी और तमाम ऐसे संविदा कर्मचारी और आउटसोर्सिंग कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मियों का क्या होगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। मिशन रोजगार के तहत आउटसोर्सिंग कर्मियों का एकत्र हो रहा है डेटा। दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आउटसोर्स कर्मियों को लेकर सरकार एक नई योजना पेश कर सकती है। दोस्तों मिशन रोजगार के तहत जिला सेवायोजन कार्यालय की तरफ से जिले में काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मियों का डेटा एकत्र किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजा गया है। सरकार का उद्देश्य है कि भविष्य में अगर कोई लाभ देना होगा तो उस क्रम में कोई कार्य हो जाएगा। मिशन रोजगार के तहत सरकार की तरफ से विभागों में भी आउटसोर्सिंग पर कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कई विभागों में भर्ती की गई है। इसके अलावा 12 नगर निकायों में आउटसोर्सिंग पर सफाई कर्मियों को रखा गया है तो राजस्व समेत कई विभागों में भी इनकी भर्तियां की गई हैं। अभी ब्लॉकों में भी कौशल विकास मिशन के तहत आउटसोर्सिंग कर्मियों को 23,000 से अधिक की दर पर भर्ती की जाएगी। प्रशासन के पास इन सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों का कोई डेटा नहीं है। जिला सेवायोजन विभाग की तरफ से 1 माह पहले सूचना उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा गया है जिसे संबंधित विभाग सेवायोजन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर भरना होगा। साथ किस कंपनी के अंडर में आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं उसकी भी जानकारी ली जा रही है। दोस्तों आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं जयप्रकाश पासवान जो जिला सेवायोजन अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों शासन के निर्देश के तहत जिले के सभी विभागों को पत्र लिखकर उनके काम करने वाले आउटसोर्सिंग कर्मियों का डेटा मांगा जा रहा है ताकि प्रशासन के पास आउटसोर्सिंग पर काम करने वालों का सही आंकड़ा उपलब्ध रहे, ऐसा जयप्रकाश पासवान जिला सेवायोजन अधिकारी ने कहा है। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि आप भी सरकारी होंगे? अगर आप एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, आप किस विभाग में कार्यरत हैं और आप किस पद पर हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं भी एक अलग वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को एक नई वीडियो के माध्यम से अवगत करा सकूं। जैसे ही सरकार के द्वारा कोई नए शासनादेश आता है मैं एक अलग वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। तो निवेदन करता हूं अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज़ मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।